ओम शांति। 25/5/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर, अब घर चलना है इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम आत्मा बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है, सन शोज फादर। गीत, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा, हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते, पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है, पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं, बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है, और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे, सन शोज फादर। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं, ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। परंतु ऐसे तो जा ना सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे पांच विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझे याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं, वह हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं, भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, यह पता नहीं है। भक्त समझते हैं, भक्ति से भगवान राजी होगा।
भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। बाप कहते हैं, मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं, पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब ही अपना परिचय दें कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5,000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़े ही पता था मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो तुम मेरे मददगार बनते हो। अपने तन मन धन से तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते। परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसको पता नहीं। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं। इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे तुम खुलता है यह तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए, क्या क्या दान पुण्य किया, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को होना है कि हम सांवरे से सुंदर बने हैं, उनके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जा ना सकें, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं, शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है, वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाएं। कहते भी हैं, बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आश ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का किसको पता नहीं है। कृष्ण के मुरीद कहेंगे, जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते, जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा। परमात्मा के मुरीद फिर कैसे कहते हैं, यह सब उनके ही रूप है, वही यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंध की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख हुआ। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है? सत्युग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, यह सब हैं झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है।
सत्युग में ऋषि मुनि होते नहीं और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती, ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवानुवाच, यादव कौरव पांडव क्या करते भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो, भगवान कहते हैं मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो, यह है अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है, भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना, गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को नहीं याद करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं, मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है, कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना तो होता है तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया, अपना बनाया, यह माता भी है पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता, तो ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी भी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं, अगर आपस में लड़ झगड़ जाएं अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है, रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है तो वह याद आएगी, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर जाते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है, बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूट कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है अपनी चलन से बाप का शो करना है, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो, स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि यह सेल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हों। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है, मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति।